सर मैं महेंद्र पाल शर्मा सोशल वर्क प्रेजिडेंट राजी इलेक्शन कमेटी और कांग्रेस पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ। आज किरिया गन्याल का डेपुटेशन लेकर हम डीसी ऑफिस में पहुँचे हैं क्योंकि तो लगभग ढाई साल पहले 14 जनवरी 2017 को हमारे गन्याल रामनगर में हमारे लाइन में देसराज शर्मा जी जो आन ड्यूटी थे, काम कर रहे थे, फ्यूज लगा रहे थे, अचानक किसी कारण लाइट आ गई और उनकी डेथ हो गई। और वो सुबह से लेके शाम तक वो उस पर तारों पे लड़के रहे। जे आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, इतनी बुरी हालत थी। और उस समय एडिशन डीसी साहब, पावर डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट लोग सारे मौके पे आम पर पहुँचे। उन्होंने उनकी डेड बॉडी के नीचे उतारा और माहौल बहुत गर्म था। परिवार को आश्वासन दिलाया गया कि इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इनके बेटे को नौकरी दी जाएगी, इनके परिवार की सारी जिम्मेवारी, सारा दायित्व डिपार्टमेंट उठाएगा। लेकिन देखिए, जैसे थोड़ी बात पुरानी होगी, इनके बेटे को नौकरी पे रख भी दिया। लगभग ढाई साल में कोई टोटल 45,000 इनको दिया गया और उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया गया। अभी इसको नौकरी से भी एक किस्म का बर्खास्त ही कर दिया गया क्योंकि उसके बाद कोई सैलरी नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं किया गया। उस समय इनको बोला था कि वर्क आर्डर के तहत आपको नौकरी पर रखा जाएगा और आपको सैलरी लगभग 12 या 15 दी जाएगी। लेकिन देखिए, इनकी तीन बहनें, एक भाई है, इतना बड़ा परिवार है, इनका गुजारा कैसे होगा? वो सरकार प्लस डिपार्टमेंट इनको लॉलीपॉप दे रहा है। जे जम्मू चीफ इंजीनियर साहब के पास भी गए, उन्होंने भी इनको आश्वासन दिलवाया कि आपकी मांग जायज़ है। एक बात मैं खुद कहना चाहता हूँ कि इनके ये नॉन सब्जेक्ट हैं, नॉन स्टेट सब्जेक्ट हैं। लेकिन नॉन स्टेट सब्जेक्ट हैं तो पहली बात सर, इनको नौकरी पर क्यों रखा गया? अगर रखा गया, ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई है गवर्नमेंट का कार्य करते हुए, इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। हर जगह गुहार लगा चुके हैं। आज हम इसलिए डीसी साहब से मिलने आए थे, लेकिन डीसी साहब मीटिंग की वजह से बिजी हैं। हम एडिशनल डीसी साहब से मिले, हम शफी साहब से मिलेंगे, जहाँ तक जाना चाहेंगे। अगर हमारी इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। क्यों? जा तो डिपार्टमेंट को झूठा वादा नहीं करना चाहिए था। अगर वायदा किया तो वायदे से खड़ा उतरना चाहिए, क्योंकि ये लड़का जो है सुनील कुमार 10+2 पास है, इसने डिप्लोमा भी किया है। और आप जाके इनके घर को देखिए कि इनका इनकम आप सोर्स और कोई नहीं है। दो बहनें छोटी छोटी, ये क्या काम करेंगी? माता जी हैं जिनकी, ये बुजुर्ग का क्या काम करेंगे? ये एक ही बेटा है। सरकार को ध्यान मिलना चाहिए, जैसे भी करे, जैसे पहले इनको बताया गया कि हम आपको वर्क आर्डर के तहत नौकरी देंगे, अच्छा सैलरी का इंतजाम करेंगे, कुछ नहीं कर रही है सरकार। चाहे एक्शन छवि साहब से रिक्वेस्ट है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन अफसरों से रिक्वेस्ट है कि इनका ध्यान दिया जाए। नहीं तो अगर इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हम किरिया गन्याल के लोग, 15,000 लोग पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक करके जहाँ जाना चाहे जाएंगे।